हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज भी फ्रेंड्स मैं टॉपिक अलग टॉपिक पे कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे रीडिंग करवाते हैं। सब जन एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम क्या हमारे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है क्या, किसी ने कुछ किया है क्या। तो बहुत लोगों के कार्ड में यस आता है, हाँ कि कुछ किया है। एक्चुअली मैं सब मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि एक्चुअली हमारा पे ब्लैक मैजिक कब तक हो सकता है। जब तक आपका कर्मा बैगेज होगा आपके ऊपर, आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होगा, तब तक ही वो ब्लैक मैजिक असर करेगा। उसके बाद में वो ब्लैक मैजिक भी असर करना बंद कर देगा। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं इसीलिए इनका काम रुक रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब तक ना भगवान नहीं चाहता है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब ईश्वर के ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। वो खुद को भगवान समझने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग भगवान होते नहीं है, ये आप समझ के चलो। देखो टावर कार्ड आ रहा है, तो मुझे एक ऐसे लग रहा है जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किया। टावर कार्ड मुझे लाइटनिंग बोर्ड और सब नेगेटिव बादल दिख रहे हैं ब्लैक, तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि कुछ लोग ना ब्लैक मैजिक करते हैं आपके पर्सन के ऊपर, और वो बहुत मतलब बहुत जोर का धमाका करता है जब करता है तो भी। लेकिन ये कि अभी टावर कार्ड मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी दे रहे हैं कि जो लोग ब्लैक मैजिक कर भी रहे हैं ना, तो वो लोग के साथ में अभी मुझे बहुत बुरा होते हुए दिख रहा है, समझ रहे हो। वो लोग के साथ में मुझे लाइफ में सब उनके नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, और उनके ईगो की बहुत हर्ट होने वाली है। उनको गॉड इस तरह से वो सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए किसी का काम ख़राब करके, या किसी की लाइफ में वो पसंद को निकाल के, लेकिन उनको पता नहीं है वो अपना इतना बड़ा कर्मा बैगेज क्रिएट कर रहे हैं, इतना बड़ा अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं ना, कि उनको वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो सामने वाले का काम नहीं होगा, या सामने वाले की लाइफ में जिनके उन्होंने काम ख़राब किया है जब तक उनका अच्छा नहीं होगा, वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि गॉड की मर्ज़ी नहीं होगी तो कितना भी कोशिश करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ सके। कितनी भी वो कितना भी पैसा खर्च कर दे इसके अंदर, कितनी भी मेहनत कर ले, वो कितने भी ऐसे बोल रहे ना कितने भी गेम्स खेल ले, लेकिन होगा नहीं। उनको खुद को भी डाउट आने लग जाएगा खुद के ऊपर कि वो कर रहे हैं कि वो राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि ईश्वर से या ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है ना आपके पर्सन के ऊपर, उनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देख रहे हैं आपको, एक बार वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं, उनको लगता है हमारी विश फुलफिलमेंट हो गई, हम जो चाहते थे आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया, और बहुत खुद को एक्चुअली जब इंसान के पास छोटे मोटे पावर्स आ जाते हैं ना, वो खुद को बोलते ना वो दानव क्या होता है, खुद को है ना बहुत ग्रेट समझने लग जाता है, भगवान से भी ऊपर समझने लग जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। वो क्या कितना भी कर लो, कितना भी जादू टोना टुस्का ब्लैक मैजिक जो भी वर्ड्स आप लोग को यूज़ करना है वो यूज़ कर ले, लेकिन इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। क्योंकि ये देखो फोर ऑफ कप्स आ रहा है, ये फोर ऑफ कप्स गॉड उनकी अभी सुनने वाला नहीं है, कि गॉड एकदम चिड़चिड़ा हो गया और उनको जरा भी वो ना उनको जो चाहता है ना उनके सुनने वाला ही नहीं है। अभी वो गॉड को कर करके भी थक जाएंगे ना ब्लैक मैजिक, तो भी असर नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर आके उनका ही ब्लैक मैजिक उनके ऊपर गिरने वाला है, आप ऐसे बोल सकते हो, और बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। उनकी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, किस लोग कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेन है ऐसा, मतलब जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनके ब्रेन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके ब्रेन में मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, या उनको बहुत लंबे रास्ते पे भगवान लगा देने वाले हैं, लंबे चक्कर में उनको फंसा देंगे, समझ रहे हो आप। बहुत सालों से आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, अभी नहीं बहुत टाइम से उनको ऐसे बांध के रखे हैं, वो आपके तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब भी बढ़ने की कोशिश की जाती है तो उनको ना वो पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन अभी वो लोग जो कर रहे हैं ना उनका दिमाग भी ख़राब हुआ, क्योंकि भगवान अपना गेम खेलना चालू हो गया। 2020 और 2021 से बहुत ज़्यादा अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गॉड खुद बोलते हैं ना खुद आके अपना है ना वो देने वाले हैं, खुद आके अपना वो देने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन कार्ड और चैरियट कार्ड आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली बहुत ये चैरियट कार्ड जब भी आता है ना तो बहुत बड़ी बैटल के बाद में है ना इंसान को विन होती है, तो बोलते हैं ना एक वॉर के बाद में बॉटल। तो आपकी जो भी अगर सपोज किसी ने कुछ किया है, मैनिफेस्ट किया है, रॉन्ग मैनिफेस्ट किया आपकी लाइफ में, कि आपके साथ में आपको ना वो आपको इंट्यूशन पावर आ जाएगी, गॉड आपको इंट्यूशन दे देगा कि कौन आपके साथ में बुरा कर रहा है। जिस दिन आपका कर्मा बैगेज उस पर्सन के साथ में पूरा हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, आपको 100% श्योर हो जाएगा कि यही पर्सन था जो मेरे साथ में ऐसे कर रहा था, और उसको उसकी सज़ा मिलेगी भी। आप देखना, आप अपनी आंखों से देखोगे इस पर्सन को सज़ा भुगतते हुए, क्योंकि इंसान ज़्यादा भाग नहीं सकता है ये सब चीज़ों से, कितनी भी कोशिश कर ले वो, कितना भी कर ले, लेकिन भगवान के आगे है ना कोई नहीं चलता है। आप अपना फेथ गॉड पे स्ट्रांग रखो कि ये देखो आपको डिवाइन सपोर्ट कम्प्लीटली है,
आप इनोसेंट हो, आपकी लाइफ में जॉय डेफिनेटली है, कोई कितना भी कुछ करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जो आपके साथ में जॉय आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखा है, चाहे वो कितना भी इंजॉय कर ले वो पर्सन, लेकिन डिवाइन सपोर्ट आपको डेफिनेटली, डिवाइन सपोर्ट आपको दिख रहा है, खुद यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप ये सब चीज़ पर फोकस छोड़ना भी छोड़ दो, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, हर तरह का अबेंडेंस, लव अबेंडेंस, मनी अबेंडेंस, मान सम्मान का अबेंडेंस, सब चीज़ आपको मिलने वाले, क्योंकि आपको पता है, गॉड को पता है कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने इनोसेंट हो, आप हमेशा सब पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, आप सब पे फेथ कर लेते हो, आप सबको बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, गॉड को पता है, यही क्वालिटीज़ आपकी, आप गॉड यूनिवर्स को आपकी मदद करने के लिए बार बार सपोर्ट करने के लिए बार बार नीचे आते हैं, वो आपके साथ में एंजल्स खड़े हैं, एंजल्स यहाँ पे आ जाते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, रॉन्ग भी हो रहा है, आपके पर्सन आपके अंदर रॉन्ग बिहेव कर रहा है, आपको लग रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से, तो होने दो वो चीज़, क्योंकि वो सामने वाला आपकी कोई रीज़न की वजह से कर रहा है, तो आप टेंशन मत लो। ओके फ्रेंड्स, मैंने छोटी सी रीडिंग की, आपको कैसे लगी रीडिंग प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।